श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से जाता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कौरवों से जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। 12 साल का समय समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। तत्पश्चात अज्ञातवास का आरंभ होना था। 5 पांडव द्रौपदी के साथ जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। तभी शनिदेव की नजर इन सब पर गई। शनिदेव को इनकी परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने सोचा, देखा जाए इन सब में सबसे समझदार कौन है। शनिदेव ने अपनी माया से जंगल में सुंदर महल का निर्माण किया। उस महल के चारों कोने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण किसी को भी हैरान करने वाले थे। महल को देखते ही भीम का मन इस महल को देखने के लिए उत्सुक हो उठा और वे इस महल के अंदर जाने लगे। तभी दरबान बने शनिदेव ने उन्हें रोक लिया और कहा, आप तभी इसके अंदर जा सकते हैं जब आप मेरी सारी शर्तों को पूरा करेंगे। पहली शर्त, महल के चारों कोनों में से आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करनी होगी, और अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। सारी शर्तें भीम ने स्वीकार कर ली और अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने 3 कुएं देखे। इसमें एक सबसे बड़ा था और 2 छोटे कुएं थे। जब बड़े कुएं का पानी उछलता था तो बराबर के दोनों कुएं भर जाते थे, लेकिन जब छोटे कुएं में पानी उछलता तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता। जैसे ही भीम बाहर निकलने लगे, तब दरबान ने कुओं का मतलब पूछा तो भीम नहीं बता पाए। शनिदेव की शर्त के मुताबिक उन्हें बंदी बना लिया गया। उसके बाद अर्जुन इस महल में गए, तब दरबान ने उन्हें भी सारी शर्त बता दी। आगे जाकर अर्जुन ने देखा, एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्की की फसल। बाजरे के पौधे से मक्की निकल रही थी और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा था। अर्जुन को यह अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। शर्त के मुताबिक वह भी जवाब न दे पाए और उन्हें भी बंदी बना लिया गया। इसी तरह नकुल और सहदेव को भी जवाब न दे पाने के चलते शनिदेव उन्हें भी बंदी बना लेते हैं। जब चारों में से कोई भी वापिस न आया तो युधिष्ठिर उन सबको देखने के लिए पहुंचे। युधिष्ठिर ने दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा तो शनिदेव ने बताया कि वह सभी उनकी शर्तों को पूरी न कर सके, इसलिए सभी बंदी हैं। तब युधिष्ठिर ने उन सब की मदद करने की सोची। सबसे पहले भीम के सवाल का जवाब दिया गया। भीम के कुएं के दृश्य के बारे में युधिष्ठिर ने बताया कि इसका अर्थ है कि कलयुग में एक पिता 2 बेटों का पेट तो भर देगा, लेकिन 2 बेटे अपने एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। अर्जुन के दृश्य का जवाब कुछ इस तरह था कि कलयुग में विवाह के लिए जात पात का भेद नहीं किया जाएगा। लोग अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर किसी भी कुल में विवाह करने लगेंगे। युधिष्ठिर ने नकुल के देखे हुए दृश्य, यानी कि जब गायों को भूख लगती है तो वह अपनी बछिया का दूध पीती है, का अर्थ बताया कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेगी, बेटी का दाना खाएगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। सहदेव ने एक चांदी के सिक्के पर सोने की विशाल शिला को टिके हुए देखा था। युधिष्ठिर ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसके बाद चारों भाई वहां से मुक्त हो गए और शनिदेव की इस परीक्षा में युधिष्ठिर सफल हुए। कथा के अनुसार ये सब चीजें आज के समय में घटित हो रही है। पांडवों को जब अज्ञातवास मिला तो वो सब गहन वन में मिले। गहन वन में पहुंचकर पांडव आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे। सभी ने तय किया कि मत्स्य देश में राजा विराट के विराट नगर में जाकर रहना ठीक होगा। वह नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मत्स्य देश का राजा विराट शक्ति संपन्न है और दुर्योधन का विरोधी भी है। उसके यहां छिपकर छद्म वेश में रहा जा सकता है।
परस्पर तय करके सभी विराट नगर पहुंचे और सभी ने अपने अपने अनुसार अपना छद्म रूप धारण कर लिया। युधिष्ठिर ने सन्यासी का वेश बनाया और कंक नाम से राजा के पास पहुंचा। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मेरा नाम कंक है, मैं ज्योतिषी हूं, वेद वेदांगों का मुझे ज्ञान है, मैं युधिष्ठिर का मित्र रह चुका हूं और चौपड़ खेलने में माहिर हूं, मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूं। विराट ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। इसी प्रकार भीम विराट के रसोइया बल्लब बन गए और अर्जुन बृहन्नला के स्त्री रूप में रणवास की स्त्रियों को नाच गाना सिखाने लगे, विशेषकर विराट की कन्या उत्तरा को। द्रौपदी सैरंध्री के नाम से विराट की पत्नी सुदेशना की दासी बन गई। नकुल ग्रंथिक के रूप में राजा की अश्वशाला में घोड़ों की नस्ल सुधारने के काम पर लग गए और सहदेव तंतिपाल नामक ग्वाला बनकर गाय बैलों की देखभाल के काम पर राजा की गौशाला को संभालने लगे। राजा की सेवा में जाने से पहले पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र नगर के बाहर एक शमी वृक्ष पर छिपाकर रख दिए थे। सारा काम बहुत सफाई से निपट गया था। किसी को जरा भी शक नहीं हो सका था कि वे पांचों कुरुवंश के महानायक हैं और द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री है। समय आराम से कट रहा था, परंतु बीच बीच में व्यवधान हो जाते थे। रानी सुदेशना का भाई कीचक बहुत ही बलिष्ठ और वीर था, मत्स्य देश की सेना का वही नायक था। कीचक की धाक दूर दूर तक फैली हुई थी, इसी से वह अत्यंत अहंकारी और चरित्रहीन था। वनवास में एक दिन उसकी दृष्टि सैरंध्री बनी द्रौपदी पर गई तो वह उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। उसने कई बार उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो द्रौपदी कुंठित हो उठी, परंतु संकोच के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह सकी। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पहले कीचक ने अपनी बहन सुदेशना का सहारा लिया, पर कामयाब नहीं हो सका। जब उसने सैरंध्री को ज्यादा परेशान किया तो उसने अपने मन की व्यथा भीम को बताई। भीम ने उसे चालाकी से नृत्यशाला में बुलाने के लिए कहा। सैरंध्री ने उसे रात्रि में मिलने के लिए नृत्यशाला में बुलाया। कीचक सजधज कर रात्रि में नृत्यशाला में पहुंचा। वहां भीम ने उसे पकड़ लिया। दोनों में मल्लयुद्ध हुआ। कीचक भी कम बलवान नहीं था, परंतु अंत में भीम ने कीचक को मार डाला और उसका शव नृत्यशाला में फेंक कर चला गया। कीचक वध का समाचार सुबह होते ही सारे राज्य में जंगल की आग की भांति फैल गई। उसे किसने मारा, यह पता नहीं चल सका। रानी सुदेशना को शक अवश्य हुआ कि सैरंध्री के गंधर्व पति ने कीचक की हत्या की है। कीचक वध की खबर हस्तिनापुर पहुंची तो दुर्योधन को शक हुआ कि कीचक जैसे बलशाली सेनानायक की हत्या या तो बलराम कर सकते हैं या फिर भीम। पांडवों के 12 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद से ही दुर्योधन अपने गुप्तचरों से उनकी खोज करा रहा था, ताकि अज्ञातवास में उन्हें खोजकर फिर से 12 वर्ष के लिए वन में भेजा जा सके, परंतु वह सफल नहीं हो रहा था। कीचक वध से उसे आशा बंधी कि हो न हो यह भीम का ही काम है, क्योंकि बलराम का कीचक से कोई बैर भाव नहीं था। कर्ण और शकुनी से परामर्श करके दुर्योधन विराट नगर पर आक्रमण करने चला गया। वहां पहुंचकर उसके अनुचरों ने विराट की हजारों गायों का अपहरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाने लगा। इस प्रकार विराट से युद्ध करने का यह खुला निमंत्रण था। सारे ग्वाले विराट के पुत्र उत्तर के पास पहुंचकर दुहाई देने लगे। हस्तिनापुर की विराट सेना का समाचार सुनकर राजकुमार उत्तर घबरा गया। वह उससे युद्ध करना नहीं चाहता था, परंतु द्रौपदी के समझाने पर वह बृहन्नला को अपना सारथी बनाकर रणक्षेत्र में जा पहुंचा, किंतु रणक्षेत्र में कौरवों की सेना देखकर उसके छक्के छूट गए। वह रणक्षेत्र छोड़कर भागने लगा। तब बृहन्नला ने उसे समझाया और श्मशान में शमी वृक्ष के पास पहुंचे। वहां शमी वृक्ष से उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उतारे। उन्हें देखकर उत्तर चौंका। तब बृहन्नला ने उसे अपना और अपने भाइयों का परिचय दिया। राजकुमार उत्तर अर्जुन के पैरों में गिर गया। अर्जुन ने उससे रथ हांकने के लिए कहा और उसे हिम्मत बंधाई। रणक्षेत्र में पहुंचकर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष की टंकार की और देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध का बिगुल बजा दिया। अर्जुन के धनुष की टंकार सुनकर कौरव सेना में खलबली मच गई। सैनिक थर्रा उठे। देखते ही देखते अर्जुन की भयानक बाण वर्षा ने कौरव सेना को तितर बितर कर दिया। उसने गायों के झुंड को आजाद करा लिया। ग्वालों को गायें विराट नगर की ओर ले जाने की आज्ञा का देकर अर्जुन दुर्योधन का पीछा करने लगे। भयानक युद्ध हुआ। अंत में कौरव सेना भाग गई।
युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा, राजकुमार उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो, शत्रु भाग गया है, इस विजय का श्रेय तुम्हें ही मिलना चाहिए। उत्तर के मना करने पर अर्जुन ने उसे समझा दिया और अपने अस्त्र शस्त्र फिर से शमी वृक्ष पर रखकर बृहन्नला का वेश बना लिया। विराट नगर पहुंचकर राजकुमार उत्तर की जय जयकार हुई, किंतु विराट का मन चिंतित हो उठा। राजा ने सोचा कि उसका सुकोमल पुत्र एक किन्नर को साथ लेकर कौरव सेना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अंत में राजकुमार उत्तर ने अपने पिता की चिंता को दूर किया और पांडवों का असली परिचय दिया। पांडवों का परिचय पाकर राजा विराट प्रसन्न भी हुआ और शर्मिंदा भी कि उसने उन्हें एक साधारण अनुचर समझकर अपने यहां रखा। उसने पांडवों से क्षमा मांगी। पांडवों ने उसे अपने अज्ञातवास की बात बताकर उसकी शर्मिंदगी को दूर किया। राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव रखा, किंतु अर्जुन ने कहा, राजन, उत्तरा को मैंने शिष्या की भांति समझा है, वह मेरी पुत्री के समान है। यदि आप उसका विवाह करना ही चाहते हैं तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दें। राजा विराट ने अर्जुन की बात मान ली। कुछ समय बाद दुर्योधन ने अपने दूत को भेजकर युधिष्ठिर को कहलवाया कि वे अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही पहचान लिए गए हैं, इसलिए उन्हें शर्त के अनुसार फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना चाहिए। दूत की बात पर युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, दूत, शीघ्र वापस जाकर दुर्योधन से कहो कि पितामह भीष्म और ज्योतिष शास्त्र के जानकारों से काल गणना करा के निश्चित करें कि अर्जुन ने जिस समय अपने धनुष की टंकार करके अपने आप को प्रकट किया, उस समय अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मैं यह निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि अर्जुन ने जिस समय धनुष की टंकार की थी, उस समय 13वां वर्ष समाप्त हुए पूरा एक दिन बीत चुका था। दूत युधिष्ठिर का संदेश लेकर हस्तिनापुर लौट गया। दोस्तों, तभी गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह ये सब मानवीय इंद्रियों के दोष हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करता है, उसकी सफलता निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए, निश्चित समय पर अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचाने और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं, इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन पर काबू पा लिया उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है, मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार
मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। गुस्से में मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह यह समझ ही नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे में वह अपनी खुद की हानि कर लेता है। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। महाभारत काल में पांडवों और कौरवों में राज्य संपत्ति को लेकर मतभेद था। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव धर्म का पालन करते थे। कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन दुराचारी और लालची था। पांडव और कौरव एक ही परिवार से थे, लेकिन दोनों की नियत में दिन रात का अंतर था। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में सब पता था। वे चाहते थे कि युद्ध ना हो, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं 3 बार शांति दूत बनकर आए और कौरव पांडवों के बीच सुलह करानी चाही, किंतु दुर्योधन नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो और दोनों शांतिपूर्वक रहो, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तब पांडवों ने कहा कि हमें राज्य की लालसा नहीं है, हमें केवल 5 गांव दिलवा दीजिए और पूरा राज्य चाहे दुर्योधन को दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि 5 गांव तो क्या, वह सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देगा। दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि अगर तुम्हें 5 गांव चाहिए तो कुरुक्षेत्र में आकर हमसे युद्ध करना होगा, हमें पराजित करके राज्य हासिल करना होगा। तब दोनों पक्षों में युद्ध का आगाज हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि उनके विपक्ष में उन्हीं का परिवार सामने है, उन्हीं के गुरु भाई बंधु हैं। इसलिए वह बोले कि यह तो अधर्म है, मैं अपने ही परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे युद्ध कर सकता हूं। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझसे यह नहीं होगा, अपने ही परिवार के विरुद्ध मैं नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर 45 मिनट का गीता का उपदेश दिया था, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को मिलाने के लिए गीता का उपदेश स्वयं ही दिया, इसलिए इसे भगवद गीता भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का हर एक श्लोक जीवन के अलग अलग पक्षों में आपका मार्गदर्शन करता है। हम आपको गीता के ऐसे उपदेश बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में थे, मन संशय में घिरा हुआ था, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दर्शन का ऐसा रास्ता दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसे श्रीमद् भगवत अस गीता के नाम से जाना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन सार्थक होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए क्रोध का त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ जाना चाहिए। गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन सार्थक होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए क्रोध को त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ जाना चाहिए। भगवान कृष्ण व्यक्ति को हर परिस्थितियों में एक सा रहने की सीख देते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख में व्यक्ति को एक जैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती है। जो मनुष्य गीता की बातों को अपनाते हैं उनका जीवन संवर जाता है। इसका अनुसरण करने से व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। गीता के लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन का हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म कृतं शुभाशुभम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि यो यद्वपति बीजं लभते हि तादृशं फलं, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा, इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छानुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी न हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति न रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दें, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी न करें।
हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है, माया भिरमायनन सक्षदिंद्र, अर्थात हे मनुष्य, तू मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता जी कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वो यह संदेश देना चाहती है कि कर्म के हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद नहीं पर है। इसीलिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए युद्ध करते रहो, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह सब काल परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सब सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दे तो अंत में क्या होगा? हम सबको पता है, कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर अमर और स्थायी नहीं है। ये सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के, अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे मां बाप ने हमारे को पैदा किया, और अगर वो यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं ये वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वो हमें धरती पे लाने का इरादा भी त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया, तभी हम धरती पे आ पाए, और ईश्वर चाहेगा तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है, हम भूल जाते हैं। हम किसी भी योनि में जा सकते हैं जो भोग योनियां हैं, उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता, जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाएं तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेहनत ही सफलता का शॉर्टकट है, कोई अन्य शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयासों में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है। यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था जिसे पूरा करने के लिए भगवान हमें धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, और उसकी पत्नी और वह बहुत ही नेक विचारों के इंसान थे।
उनके एक बेटी भी थी जो कि अपाहिज थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी पुत्री को अपाहिज देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पांव का इलाज भी करवाया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते थे, उसके पैरों की मालिश करते हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर परेशान रहता था, उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। किसान के गांव के पास दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा रहते थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाते थे और उनके उपदेश सुनते थे और वहां पर आए हुए लोगों की सेवा करते थे। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का प्रवचन खत्म हुआ, किसान ने कहा कि संत महात्मा में और मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा किया करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी हमारी बेटी अपाहिज क्यों पैदा हुई, उसे अपाहिज देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय बाद वापस नेत्र खोले और कहा कि मैं तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है और यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। पूर्व जन्म में तुम अपनी पत्नी और बेटे बहू के साथ रहते थे। तुम्हारा बेटा नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था और पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वही अब तुम्हारी बेटी है भाई। तुम्हारे घर में एक दुधारू गाय भी थी जिसकी तुम बहुत सेवा करते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत था। तुम सदा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। तुम्हारी बुरी बातें सुनकर तुम्हारे बहू बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार की बात है, वो इतनी सहेली के साथ मेला देखने चली गई थी। वापस आने पर तुमने गुस्से से एक डंडा उसकी तरफ फेंका जिससे उसके पैर की ही हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लग गई और पूरे जन्म में वह परेशान ही रही, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी तुम्हारी वही बहू है झूठ, जो अपना हिसाब पूरा करने के लिए आई है। जैसे तुमने उसे उस जन्म में रुलाया था, वह इस समय में तुम्हें रुला रही है। हालांकि तुमने गाय की सेवा की थी जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बुद्धि निर्मल मिली है, तुम्हारा ज्यादा बुरा नहीं हुआ। तुम्हें अपने कर्मों की ही सजा मिली है, इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते सोते उठते बैठते भोगना ही होता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना होता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा तंग किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सवेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना होगा ही। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था, उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरे जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी ना किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है ना बुरा कर्म, यहां तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे गाय का बच्चा हजारों गायों की संख्या में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हॉल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। अतः सेवा दान परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है, इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं,
परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं होता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं मिलेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। गीता में भगवान कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। सनातन धर्म में कई धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें से एक है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें लिखे भगवान कृष्ण के उपदेशों का आज भी लोग अनुसरण करें तो वे अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। गीता में लिखे उपदेश हर उम्र के व्यक्ति के लिए लाभकारी हैं। गीता के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। हम सभी कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत के युद्ध के बारे में जानते हैं। इस युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। जब अर्जुन के सामने अपने सगे भाई और गुरु युद्ध मैदान में आए तो अर्जुन उन्हें देखकर विचलित हो गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिए। भगवान कृष्ण के इस युद्ध में अर्जुन को दिए उपदेश को गीता ज्ञान कहा जाता है, जिसे हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता के नाम से भी जाना गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। गुस्से में मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह यह समझ ही नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे में वह अपनी खुद की हानि कर लेता है, इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर मन की गति सबसे तेज होती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को भी यह सिखाना बहुत जरूरी है कि अपने मन पर सदैव काबू रखें। युद्ध में अर्जुन के विचलित हो जाने पर भगवान कृष्ण ने कहा था कि हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसा आपका कर्म होगा, ईश्वर आपको उसके अनुरूप ही फल देंगे। यदि आप कार्य के पहले ही परिणाम की अपेक्षा करेंगे तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा और आप अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। गीता में भगवान कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। हर व्यक्ति को सफल जीवन और किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है, साथ ही सही और गलत में भी पहचान कर सकता है। महाभारत युद्ध की शुरुआत एक खेल से हुई थी। यह खेल एक ऐसा छल था जिसमें पांडव अपना राजपाट, भाई, पत्नी सब कुछ हार गए थे। इस समय पांडवों ने खेल की शर्त को मानकर सब कुछ सह लिया, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे थे।
जब पांडव वन को जाने लगे तब विदुर ने जो धृतराष्ट्र से कहा वह आने वाले युद्ध के संकेत थे। इस समय द्रौपदी और पांडवों ने जो किया वह विनाश का सूचक था। जिस वक्त सभी पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर जाने के लिए धृतराष्ट्र से आज्ञा लेने आए थे उस समय युधिष्ठिर ने अपनी आंखें मूंद ली थीं। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस समय युधिष्ठिर इतने क्रोध में हैं कि उनकी दृष्टि किसी पर हो जाए तो वह भस्म हो जाएगा, इसलिए ज्येष्ठ पांडुपुत्र ने आंखें बंद कर ली है। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि भीम भी इस वक्त बहुत ही क्रोध में है। इन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं को इस तरह फैला रखा है जैसे यह संकेत दे रहे हैं कि मैं कौरवों का विनाश कर दूंगा। द्रौपदी के अपमान के बाद से ही अर्जुन क्रोध में थे। वन जाते समय यह बहुत ही वेग से पैरों की चोट से धूल उड़ा रहे थे। विदुर ने बताया कि अर्जुन धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि युद्ध में अपने बाण से सबको धूल में मिला दूंगा। नकुल सहदेव के तेवर भी कम नहीं थे। पांडवों में सबसे सुंदर नकुल और सबसे छोटे सहदेव ने अपने शरीर पर धूल मल लिया था ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। यह इस बात का संकेत था कि महाभारत के युद्ध में सभी को ऐसे धूल में मिलाकर रख देंगे कि कोई पहचान नहीं सकेगा। जुए में द्रौपदी को हार जाने के बाद जब दुशासन बालों से खींचकर द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए थे उस समय ही द्रौपदी ने दुशासन से कहा था कि अब यह केश तब तक खुले रहेंगे जब तक तुम्हारी छाती का लहू इनमें मल नहीं लूंगी। वन जाते समय द्रौपदी ने सफेद वस्त्र धारण किया था। इन्होंने कहा कि 14 साल बाद जब लौटूंगी तब जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया है उन सबकी पत्नियां अपने पतियों के शव पर रोएंगी और सफेद वस्त्र में हस्तिनापुर लौटेंगी। वन में श्री कृष्ण द्रौपदी से जब मिले तो उन्होंने भी द्रौपदी को इस बात का आश्वासन दिया। महाभारत युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ। जब महाभारत युद्ध में कौरवों ने पांडवों के सारे पुत्रों का वध कर दिया था तब उनका एकमात्र वंशधर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। पांडवों के पूरे वंश को खत्म करने के लिए कौरवों के साथ ही अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस बालक की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। इस दौरान बालक 10 महीनों तक अंगूठे के बराबर हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता रहा। ब्रह्मास्त्र को विफल कर जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए, पर फिर भी ब्रह्मास्त्र का कुछ असर रहने पर वह बालक मृत समान पैदा हुआ। ये जानकार भगवान श्री कृष्ण प्रसूति का गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। गर्भ में कठिन परीक्षा होने के कारण यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत की कथा के अनुसार यही परीक्षित आगे चलकर राजा हुए। एक दिन शिकार करते हुए वह वन में भटक गए। भूख प्यास से व्याकुल वे ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि उस समय ध्यान में लीन थे। राजा ने उन्हें पुकारा तो भी ऋषि का उन पर ध्यान नहीं गया। राजा को लगा कि ऋषि शमीक ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। गुस्से में एक मरे हुए सांप को तीर से उठाकर ऋषि के गले में डालवे वहां से चले गए। पीछे से आए ऋषि शमीक के तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि को इसका पता लगा तो उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाक से काटे जाने का श्राप दे दिया। जब राजा परीक्षित को श्राप का पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने राज्य में आए सुखदेव मुनि से इसका उपाय पूछा। इस पर मुनि सुखदेव ने राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए 7 दिन भागवत कथा सुनाई, जिसे सुन राजा परीक्षित भगवान की भक्ति में लीन हो गए। 7 दिन पूरे होते ही श्रृंगी ऋषि के श्राप के अनुसार तक्षक नाग ने चुपके से आकर परीक्षित को काट लिया। पर भगवान की भक्ति में लीन राजा परीक्षित को इसका पता तक नहीं चला। भागवत कथा के प्रभाव से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। मैं तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि भागवत कथा कितनी पवित्र किताब है। इसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। पुराण में उल्लेख मिलता है
कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुण पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नर्क की यतना भोगकर शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुमवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्क की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना होता है। जो व्यक्ति काम भावना में होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नर्क की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी गलती से पाप नहीं करने चाहिए। आज भी कितने ही लोग भगवत गीता का अनुसरण करके जीवन में व्याप्त कठिनाइयों से पार पाते हैं। गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन की शांति भी प्राप्त होती है। गीता का पाठ रोजाना करने से जीवन की परेशानियों के हल मिल जाते हैं। यह भी मान्यता है कि गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री।